Hello and very good afternoon to one and all. This is Dr. Rakesh Singh Paraste, Assistant Professor of English from Swami Vivekanand Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh, India. And once again, today I am going to talk about your next series of your tense because I have already uploaded one video for present indefinite tense and what is the definition of tense and what is the meaning of present indefinite tense and how to make affirmative, negative and interrogative sentence. ये मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बनाया है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों टेंस को एक साथ कंप्लीट करने की इसमें कोशिश करूंगा और दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और ये स्कूल्स लेवल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही और इंग्लिश तो एक ही है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और ग्रामर कोर्स कॉमन है सभी के लिए सेम है और ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज. ओके तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पहले वाली वीडियो को देखें तो पूरे सीक्वेंस से आप हर वीडियो को आसानी से पा जाएंगे. इसके लिए बस आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डॉक्टर राकेश परस्ते के नाम से यूट्यूब में अवेलेबल है तो उसमें आपको मिल जाएगा. तो आप जब तक आप पहले वीडियो नहीं देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझने में प्रॉब्लम होगी और एज वी नो दैट कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट टेंस इन योर स्कूल्स लेवल्स कॉलेज लेवल्स लेकिन इसको डीप स्टडी कैसे करें ताकि क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उनकी ये सिलेबस में सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट में है जहाँ से क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं और ये ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं आएंगे कि मैं पत्र लिखता हूँ आई राइट ए लेटर ऐसे नहीं. वहाँ एक सेंटेंस लिखा रहेगा इस प्रकार से जैसे कि रहेगा ही यहाँ रहेगा एम इज आर ओके और यहाँ रहेगा मूविंग द टेबल ओके. ये सेंटेंस है इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चूज द करेक्ट वर्ब इसमें चूज द करेक्ट वर्ब करें तो आपको करेक्ट वर्ड इज लगाना है तो इसको रीराइट करके लिखेंगे ही इज मूविंग द टेबल. इस प्रकार से आपको ये तभी बनेगा जब आपको इसको डीपली से आप स्टडी करेंगे. ठीक है तो आइए लेट्स स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट कि हर वीडियो की तरह जिस तरह से आपने हर वीडियो को अच्छे मतलब गंभीरता से केयरफुली से समझा देखा क्योंकि इंग्लिश में मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा इसमें सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं होती. यदि आप इसको ग्रामर कोर्स उठाए और रटने लगोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इमेज आर होते हैं इसमें रहा है रही है आते हैं तो ऐसे रटोगे तो आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगा. जस्ट कोई भी चीज़ पाने के लिए आपके अंदर एक जोश जागनी चाहिए अंदर से फ्रॉम योर हार्ट ओके लव टू योर सेल्फ. आपके अंदर जोश जुनून जज्बा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए अंदर से दिल करना चाहिए तभी जाके वो चीज़ होता है. तो यू कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल ये तभी होगा जब आपको एक ग्रामर कोर्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी. और कोई टफ नहीं है मैं आपको बार बार शुरुआत से ही कहते आ रहा हूँ जैसे आपने हिंदी बोलने के लिए सीखा तो कहीं आपको कोचिंग क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ी वैसे ही इंग्लिश बोलने के लिए आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोचिंग क्लास जाने की जरूरत नहीं है. हाँ जरूर ये है कि इसमें आपको ग्रामर कोर्स की जो हर जो टॉपिक्स हैं उनको आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा सिर्फ एक बार लाइफ में एक बार मेहनत करना पड़ेगा बस इसके बाद आपको आसानी से आने लगेंगे. आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो आपको इंग्लिश में उसमें कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब इंग्लिश का पोर्शन आता है 25 मार्क्स का जो भी है हिंदी का तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है तो एक शब्द होता है तुक्का लगा देते हैं भगवान भरोसे जो भी नंबर आएगा बस वही मिल जाएगी. ऐसे नहीं आप जितना हिंदी में कंफर्टेबल हो जितना विश्वास रखते हो उससे ज़्यादा अपने आप पे विश्वास रखो कि आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर आल्सो. तो ये तभी होगा जब एक बार इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा. तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को. ये वीडियो थोड़ा सा 15-20 मिनट का हो सकता है क्योंकि इसमें मैं दोनों टॉपिक को कवर करूँगा. तो इधर मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ओके और यहां से हम कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेंस जो है किस लैंग्वेज से लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस नामक शब्द से ली गई है और देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर यू नो वेरी वेल दैट इसमें वेस्ट टाइम नहीं करूंगा. तो ये जो सीरीज अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस के चारों उप पार्ट्स जो सब पार्ट्स हैं उनके बारे में चल रहा है. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड दिस वीडियो फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके.
तो इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे कि इसके वाक्यांगन में रहा है, रही है, आते, इसमें चुका है, चुकी, ये चुका चुकी रहने दो, अब समय आ गया है, इसको समझो कि इसमें एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन होगी तो इसको कैसे करोगे कि कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो आप भी मैं मेन मेन चीज़ को लिखता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर दोज एक्शंस विच इज गोइंग एट दिस प्रेजेंट व्हाइल यू आर स्पीकिंग। इट मीन्स दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब आपके बोलते वक्त वह एक्शन जो क्रिया है, कार्य है, वो जारी हो। जैसे हम खाना खा रहे हैं, जिस समय आपने बोलना शुरुआत किया, मतलब बोलते हैं उस समय वो जो क्रिया खाने की वो जारी है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ने की क्रिया कंटिन्यू जारी है। इट मीन्स दैट जो आपका जो वर्ब होगा वो जो है कंटिन्यूस होगा, मतलब इट इज यूज, इट इज मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके, इट इज यूज फॉर दोज एक्शंस जो क्रियाएं होती हैं, ओके, विच इज गोइंग ऑन व्हाइल स्पीकिंग, ओके, बोलते वक्त वह जो एक्शन होगी वह जारी रहेगी, गोइंग ऑन जारी रहेगी। दूसरी चीज़ हम इसका तब प्रयोग करते हैं जब नियर फ्यूचर को कोई चीज़ बताने की हो, जैसे हम बोलेंगे कि वह आज रात चेन्नई निकल रहा है, ओके, तो इस तरह से ये सारी चीज़ बताने के लिए मेरे पास कुछ आज पेपर्स वगैरह हैं, इन पेपर से आपको मैं प्रैक्टिस कराऊँगा, ओके। और इसमें आपको ये भी ध्यान देना होता है कि एक तरह से कंटिन्यूस में सिंपल ये रहेगा कि जो भी क्रिया होगी वो वर्तमान समय में वो क्रिया क्या रहेगी, कंटिन्यूअस होगी, यानी लगातार वो क्रिया जो एक्शन होगी वो कंटिन्यूअस रहेगी, ओके। तो ये आपको ये नियर फ्यूचर को बताने के लिए किया जाता है, ओके, सॉरी क्या बताने के लिए किया जाता है, नियर फ्यूचर के एक्शन होंगे वो बताने के लिए किया जाता है। और आगे आप इसमें मतलब यही रहेगा कि जो भी इसमें एक्शंस होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। और इसमें जो क्या होगी, इसमें भी देखते जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें वो क्रिया कंटिन्यूस नहीं होगी, बल्कि भी रिसेंट टाइम में अभी अभी वो क्रिया जो है कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, वो परफेक्ट हो, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, कंप्लीट हो जाना, ठीक है। तो यही समझ रहे हैं, इसमें वो एक्शन जो होगी, ये एक्शन होगी वो कंटिन्यूस रहेगी, और इसमें वो एक्शन होगी क्या हो जाएगी, वो कंप्लीटेड हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड हो जाएगी, तो परफेक्ट टेंस होगा, ओके। तो आइए समझते हैं दोनों के हेल्पिंग वर्ब और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसकी जो एच वी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं एम, इज और आर, ठीक है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो क्या होंगी, हैज और हैव, ओके, जो हमेशा इंग्लिश में ज्यादा शब्द बोले जाते हैं हैज और हैव। हैज टू और हैव टू का प्रयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश में सबसे ज्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड, मुझे पुस्तक पढ़ना है, आई हैव टू रीड बुक, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम, ओके, तो ये यहाँ से सबसे ज़्यादा मतलब स्पोकन इंग्लिश में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दोनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब हुई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, सबसे पहले इसको समझें फिर इसको समझते हैं आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो होती है समोसा, वही समोसा जो बार बार मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, समोसा एस एच एम ओ, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप लोग, सब्जेक्ट लगाएंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगाया, लेकिन इसमें सब में लगेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों प्रकार के सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। यहाँ लग जाएगा एम, इज, आर, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ओके, और इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई एन जी, कोई भी टेंस के कंटिन्यूअस हो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके साथ आई एन जी लगेगा। इट इज़ क्लियर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और लास्ट में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपके कंटिन्यूअस टेंस की क्या हुए, अफर्मेटिव। देखो आप सेंटेंस में एक सीक्वेंस से बताऊंगे, एक अफर्मेटिव का, उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो आप समझने की कोशिश कीजिए इसको, ओके। अब ये जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटना है, आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर, लेकिन यहाँ जो है हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब हैं और सब्जेक्ट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के लिए किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो आपके पास जो सब्जेक्ट हो गए वो सब्जेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको दोबारा लिख देता हूँ, कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस है, यहाँ सब्जेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो आई फर्स्ट पर्सन,
आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम, ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका ही, सी, इट और एस एन सिंगुलर नंबर। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज, ओके, और इसके बाद यू, वी, दे और पी एन प्लूरल नंबर। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर, ओके, क्योंकि इसको जो आई पहले इनके साथ करते थे आई यू वी दे प्लूरल नंबर, लेकिन अब आई अलग हो गया क्योंकि हमारे पास वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ब एम इज एंड आर, सो दैट्स वाई यदि आई सब्जेक्ट है तो एम लगाना है, ही सी इट है तो इज लगाना है, यू वी दे आर और प्लूरल नंबर है तो आर लगाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस वर्तमान में जो क्रिया कंटिन्यू जारी हो, मैं शुरुआत हिंदी से कर देता हूँ, यहाँ हम कर देते हैं मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ हम ये नहीं पढ़ेंगे कि रहा है रही है, हमको ये समझना है कि प्रेजेंट टाइम में वह एक्शन जो है बोलते वक्त वह एक्शन जो है कंटिन्यू है। इस सेंटेंस में देखिए मैं पत्र लिख रहा हूँ, जिस समय आप बता रहे हो उस समय आपका लिखने का क्रिया जो है वो लिखता हूँ नहीं बोल रहे हो ना, लिख चुका हूँ नहीं बोल रहे बल्कि लिख रहा हूँ, यानी आपके लिखने की क्रिया जो है कंटिन्यूअस गोइंग ऑन, ओके, सो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें फिर सब्जेक्ट क्या रहेगा, एस एच एम ओ समोसा, सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, आई है ना क्योंकि इसी के द्वारा कार्य किया जाता है, काहे कार्य करता है लिखने का, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट क्या लगाया, आई लगाया, ओके। अब यहाँ एक बार देख लीजिए सब्जेक्ट दो ही होते हैं, यहाँ मैं तीन बार दिया आई को अलग कर दिया, ओके, तो आई यदि सब्जेक्ट हो तो यू हैव टू यूज एम फॉर द सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे आप, एम का, ओके, यहाँ इज आर नहीं लगाएंगे, इज तब लगाएंगे जब ही सी इट होगा सिंगुलर नंबर होगा, आर तब लगाएंगे जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होंगे, तो आई यहां से लगा लिए एम, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, मेन वर्ब है लिखना, राइट फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन हमको इसके साथ आईएनजी भी लगाना है, तो आईएनजी लगाने के लिए ई नहीं लिखा जाता है, इसके साथ ही जोड़ दिया जाता है ये, इसको पोसेसिंग वर्ब भी बोला जाता है, फोर्थ फॉर्म बोला जाता है वर्ब का, वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं ना, जैसे राइट रोट रिटेन, फोर्थ फॉर्म हो गया तो राइटिंग, ओके, इन्फिनिटिव वर्ब वाला होगा तो टू राइट, वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, ओके, तो आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। इधर भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और इसके बाद क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिए कोई भी टेंस के परफेक्ट हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, कोई भी टेंस के कंटिन्यूस हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेंगे, बस इतना याद रखिएगा। मैं इसको क्रम्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे टेंस पढ़ाना है, टेंस आपके सिलेबस में है बीए बीएससी बीकॉम, ओके, और स्कूल लेवल में तो कंपलसरी होते हैं। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से सेंटेंस आएंगे आसानी से बना सकते हो, इसी सेंटेंस को यहाँ बना देते हैं। इसमें क्या बनाया था कि वो जो है प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्शन होगी क्रिया होगी वो क्या हो होगी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब ये नहीं कि हम इसको बहुत दिन से पहले से वो कंप्लीट हो चुका है तो पास्ट में चला जाएगा, मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पत्र लिखा आई रोट ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ, दोनों में डिफरेंस है, मैं पत्र लिख चुका हूँ कहने मतलब अभी लिखते थे वो लिख चुके हो, जैसे यहाँ है ना मैं पत्र अभी लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ बोल दिया इसी को, क्या बोल दिया कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, यानी ये लिखने की क्रिया यहाँ जारी थी कंटिन्यूअस थी, लेकिन परफेक्ट टेंस में वही क्रिया क्या हो गई पूर्ण हो गई कंप्लीटेड हो गई। तो इसी से पहचान में आ जाती है, जब आप इंग्लिश में स्पोकन करेंगे ना तो समय सोचने में आप ये मत रहिएगा भैया एम इज आर लगाओ हैव हैज, भाई सिंपल किसी साथ बात करेंगे कहेंगे हैव यू ईटन योर डिनर, तो आप समझ गए क्या आप खाना खा चुके हैं, तो यदि आप खाना खा चुके डेफिनेटली कहो यस आई हैव टेकन माई डिनर, ओके, और कहेंगे नहीं 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 अभी मैं खा रहा हूँ, यस आई एम राइट नाउ आई एम ईटिंग डिनर, ओके। हैव यू रिटन ए लेटर, इंग्लिश स्पोकन ऐसे किया जाता है, हैव यू रिटन ए लेटर, क्या बोलेंगे यस आई हैव रिटन ए लेटर, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, या आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ओके, और कहोगे नो 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 आई हैव नॉट कंप्लीटेड येट बट आई एम डूइंग एंड आई एम फिनिशिंग माई, एक ही आई एम हाँ आई एम डूइंग माई होमवर्क, जब प्रेजेंट टाइम में चलेगा तो, और सिंपल लोग रहेगा तो नो आई डू माई होमवर्क इंडिफिनिट टेंस, ओके। तो ये समझने की बात है, यदि वो वर्ब जो है एक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं अभी अभी तो वो परफेक्ट हो जाएगी। तो इसमें भी फिर सब्जेक्ट वही रहेंगे आई यू वी दे प्लूरल नंबर, वही बताया मैंने आई यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ हैव, यहाँ लिख देता हूँ मैं आई
यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है, और इसके साथ ये वाला यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा। सब्जेक्ट फिर आई है, आई तो सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका वर्ब क्या है, लिखना है, लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। सो राइट रोट रिटन, सो रिटन इज द थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा यहाँ रिटन, ऑब्जेक्ट क्या है लेटर, ए लेटर, बस दैट इज वेरी सिंपल। अब इसको आप रटोगे कोई बुक्स में, कोई ग्रामर कोर्स उठाकर रटोगे तो आप रट नहीं पाओगे, क्योंकि इंग्लिश को रटा नहीं जाता है, इंग्लिश शुड नॉट बी रट्टा, है ना, रट्टा नहीं मारा जाता है। रोट लर्निंग इज वेरी डेंजरस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस सो डेफिनेटली यू हैव अ गुड कमांड ओवर ऑफ ग्रामर कोर्स, एंड यू हैव अ गुड कमांड ऑफ ग्रामर कोर्स यू हैव नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ओके, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, सो यू कैन डू, डेफिनेटली यू कैन डू, एंड लव टू योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू एनी थिंग इन योर लाइफ, ओके। तो आइए फिर देखते हैं इसको, ये अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव बनाना है हमको, तो निगेटिव में हम कोई भी सेंटेंस जैसे ले लेते हैं कि हम निगेटिव में मैं वाला हो गया, अब कोई दूसरा वाला ले लेते हैं। चलो इट का प्रयोग कहाँ करते हैं ये मैं बता देता हूँ। इट का प्रयोग देखिए, 10th और 12th में MBA बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आज वर्षा होती है, किस टेंस की है, वो वर्षा होने की एक्शन अभी चल रही है ना, तो वर्षा वाले सेंटेंस जहाँ भी आएगा सब्जेक्ट इट लगता है, याद रखिए, तो वर्षा वाले सेंटेंस के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, आज वर्षा होती है, इट मीन्स दैट इट रेन्स, रेन नहीं, रेन्स हो गया क्योंकि ही सी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस बताया था ना, तो इट रेन्स टूडे। अब वही शब्द हम यहाँ लिख देते हैं, आज वर्षा नहीं होती है, ओके। तो ये स्पोकन इंग्लिश में आपको हिंदी लिखना नहीं है, आपको समझना है कि मुझे क्या बोलना है, मैं कहूँ क्या यार आज हरदा में वर्षा हो रही है क्या, कहो नो, है ना, इसमें आगे क्या बोल सकते हो। अब ये मत करना कि आज है तो हम टुडे लिख दें, भाई सर ने शुरुआत वाले की लिख दिया तो टुडे लिख दें, भाई टुडे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो भैया सब्जेक्ट कौन से होते हैं, मैंने वही बताया सब्जेक्ट दो ही होते हैं, आई यू वी देयर प्लूरल नंबर एक साइड हुआ, ही सी इट और सिंगुलर नंबर दूसरे साइड हुआ, बस यही सब्जेक्ट होते हैं, यही पहले आते हैं, है ना, और देयर का प्रयोग किया जाता है, जो बताया था कि जैसे मेरे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ये ओके। तो जब भी वर्षा वाले सेंटेंस हो तो आंख बंद करो और सब्जेक्ट क्या लिख दोगे, इट लिख दोगे, ओके। वर्षा वाले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट क्या लिखना है, इट लिखना है, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज लगाना है, इट इज, लेकिन भैया ये निगेटिव ही है, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दिया जाता है, नॉट, इट इज नॉट, यहाँ पहुँच गए, है ना, निगेटिव में नॉट लगा दिए, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, मेन वर्ब है क्या, वर्षा का होना, रेन, फर्स्ट फॉर्म लगा, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, रेनिंग, कब, आज कल परसों, आज, इट इज नॉट रेनिंग टुडे, ओके। तो ये ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है। इसके बाद यदि रहेगा क्या आज वर्षा हो रही है, देखिए ये होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ओके। तो मैं इसको भी बता देता हूँ आपको, यहाँ मिटाता हूँ, इसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। इसके साथ क्या लिखेंगे, ये इसी सेंटेंस को, क्या आज वर्षा हो रही है, क्वेश्चन मार्क, क्या आज वर्षा हो रही है, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, एम इज आर, ये रहेगा, इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ मेन वर्ब रहेगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा, सेम वही चीज़ है, और एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये स्ट्रक्चर होती है इंट्रोगेटिव के लिए। और देर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से बनेगी, दूसरा इंट्रोगेटिव जो डायरेक्ट WH से बनता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ आल्सो, ओके। तो एम इज आर और उसके बाद सब्जेक्ट, यानी एच पहले एस बाद में, जो समोसा होता है ना, एस एच एम ओ, तो ये एच जो है पहले लगेगा इंट्रोगेटिव में, ठीक है। क्या आज वर्षा हो रही है, अब इसको आपको बनाना है, क्या बनाना है आपको, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले एम इज आर लगाओ,
अब एम इज आर कैसे लगाओगे, किसके साथ लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इट है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, क्योंकि वर्सा वाले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट क्या लगता है, इट। तो इट के लिए क्या लगेगा, इज लगता है, तो पहले क्या लिखोगे, इज। समझ में आया, इज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इट है। इट कैसे है, क्योंकि सेंटेंस वर्सा वाला है। समझ रहे हैं ना बात को, थोड़ा सा एक बार आपको लाइफ में समझना पड़ेगा, फिर आसानी से आपको बन जाएगा। तो इज इट, ओके, इज इट, ये हुआ। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, रेन, इसके साथ आई एन जी रेनिंग, इज इट रेनिंग टुडे। बस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी और उसमें आपका कमांड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश वाले, हिंदी में पूछे जाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ये आपके 10th और 12th में पूछे जाएंगे। कॉलेज में क्या पूछे जाएंगे, कॉलेज में अभी जो मैं एक क्वेश्चन पूछा था वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे आपको बनाना है, सिंपल से यहाँ कहा जाएगा कि जैसे आप प्रेजेंट पढ़ लिए, इंडेफिनिट पढ़ लिए, कंटिन्यूस पढ़ लिए, मैं परफेक्ट कभी थोड़ा बता देता हूँ। एक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में जैसे मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं यह कार्य नहीं कर पाया हूँ, तो आई हैव नॉट डन दिस वर्क, ओके। तो ये सिर्फ इसके साथ नॉट लगाना है, बाकी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले वीडियो में पढ़ चुका, इसलिए आप वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा सीक्वेंस में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और मेरा ये वीडियो बनाने का और आप लोगों के लिए सिर्फ ये मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी अभी दूर दराज के बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल से आए हुए जो बच्चे हैं, अभी सभी जो है लॉकडाउन तो नहीं बोल सकते पूरी तरह से, अभी वो नहीं है, कोरोना वायरस के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जिसके चलते ऑनलाइन एडमिशन मतलब ऑनलाइन क्लासेज उनके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि उन बच्चों को, मतलब मेरा ये कोई बिजनेस नहीं कि मैं इसमें पैसा कमाऊं कि ये करूं, ऐसा नहीं है, ओके। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं अधिक से अधिक उन बच्चों को प्रमोट करूं, मोटिवेट करूं और वो घर बैठे इसको आसानी से सीख जाएं। सो दैट इज़ माई मोटिव इन माई लाइफ, ओके, क्योंकि टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन माई लाइफ, ओके ना। तो आइए हम समझते हैं इस चीज़ को, आपकी एग्ज़ाम में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में कैसे आएंगे। देखिए, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ही गो टू कॉलेज, अब यहाँ कह दिया जाएगा, देखो मैं जानबूझ के सेंटेंस को गलत लिखा हूँ, ठीक है ना, ये मत कहना कि सर ने गलत लिखा है, इसको मैंने जानबूझ के गलत किया है। अब ये आपसे कहा जाएगा यहाँ करेक्ट द सेंटेंस, ऐसे आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में पूछे जाते हैं। डू एज डायरेक्टेड करके रहेगा, आप जब भी कोई एग्जाम, जैसे ये एक एग्जाम है, यहाँ क्या दिया है, डू एज डायरेक्टेड, डू मतलब करो, एज मतलब जैसे, डायरेक्ट मतलब निर्देश दिया गया है, निर्देश ये दिया गया है, करेक्ट द सेंटेंस। आपके एग्जाम में ऐसे रहेगा, मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंग्लिश पेपर दे रहे हो, ये रहेगा आपके सामने, ही गो टू कॉलेज, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस गलत था, इसको सही लिखो। कैसे सही करोगे इसको, सबसे पहले उस सेंटेंस को पहचानो कि ये सेंटेंस इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूस का है, या किस टेंस का है। तो किससे पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहेगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहेगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, डू, डज, एम, इज, आर, वाज, वेयर, सेल, हैव, सेल, हैव बीन, हैज, वाज, वेयर, डिड, जितने भी मैंने बोला क्या यहाँ दिया, नहीं दिया। यदि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या कि पास्ट इंडेफिनिट का, ओके। फिर ये मेन वर्ब को देखना है, यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, यदि ये सेकंड फॉर्म वेंट दिया रहता तो थर्ड फॉर्म रहता, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया आपको। तो आप ये समझ गए कि ये सेकंड फॉर्म नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म है, कहने का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन ये गलत सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमको सही करना है। सही कैसे करेंगे, हमने बताया था कि यदि आपका इफ़ योर सब्जेक्ट इज आई यू विद ए प्लूरल नंबर एट दैट टाइम यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यदि ही सी इट और सिंगुलर नंबर, सॉरी ही सी इट और सिंगुलर नंबर होंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस लगेगा, आई यू विद ए प्लूरल नंबर रहेंगे तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो ही है तो डेफिनेटली इस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, गोज लग जाएगा, ओके, ही गोज टू कॉलेज, ऐसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या रटा, नहीं आपने रटा नहीं, क्या किया, सिर्फ प्रैक्टिस किया, कैसे, समझ करके, रट करके नहीं, समझ करके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, यदि इसी
क्वेश्चन को आपकी मेन एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको मैं मिटाता हूँ और एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ। यदि ये कहा गया, एक मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एक, ओके यस, ही परचेस्ड अ न्यू कार, ओके ये आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ही परचेस्ड अ न्यू कार, चेंज इंटू इंट्रोगेटिव, ये एक डू एज डायरेक्टेड में आया आपके लिए, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। यदि हम यहाँ मिटाएं, अब एग्जाम में ले गया मैं, आप समझो कि राइट नाउ यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू आर अटेम्प्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, ओके। तो डू एज डायरेक्टेड वाले पोर्शन में जैसे आप पहुँचे, डू एज डायरेक्टेड में यहाँ एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पेपर इसको ले लेता हूँ, हरी परचेस्ड अ न्यू कार, ओके हरी परचेस्ड अ न्यू कार। अब यहाँ मैं कर देता हूँ, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेंज इंटू इंट्रोगेटिव, चेंज इंटू इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक बनाओ इसको, है ना, ये इस सेंटेंस को प्रश्नवाचक, अभी कौन से वाचक में है ये, वाचक के इस मीन रहे कि जब नॉट नहीं है तो निगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव नहीं है, मतलब अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब हरी परचेस्ड अ न्यू कार, अब ये समझना है, अभी इसके पहले मैं एक क्वेश्चन बताया था, यहाँ आप सेंटेंस देखें, सेंटेंस देखेंगे तो सबसे पहले हरी क्या है, सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर, इसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाई दे रहे हैं, एम इज आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कुछ नहीं है, मतलब जब कुछ नहीं है सिर्फ दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, समझ गए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव तब होगा जब ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा हमारा जो मेन वर्ब है, लेकिन परचेस नहीं है, परचेस्ट है, ये सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। और ये थर्ड फॉर्म रहता तो हर हालत में यहाँ हैड या हैज या हैव ये वाले भाग रहता, ठीक है। तो ये क्योंकि परचेस परचेस्ट परचेस्ट होता है, तो ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कहने मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक है। तो इंट्रोगेटिव बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट में तो पहुंचा नहीं, लेकिन इसको बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, ठीक है। चेंज इंटू निगेटिव, पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव बनाने के लिए, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए और निगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड। अब यहाँ कैसे कन्फ्यूज बिल्कुल ना होना, ये सेंटेंस हमने पहचाना, वी नो वेरी वेल दैट दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम पास्ट इंडिफिनिट टेंस एंड वी हैव टू चेंज दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड इफ वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस एट दैट टाइम वी नो वेरी वेल दैट डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सो वी हैव टू यूज डिड, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब डिड, सो डिड इज यूज फॉर ऑल द सब्जेक्ट, आइदर योर सब्जेक्ट इज आई यू विद ए प्लूरल नंबर और ही सी इट सिंगुलर नंबर, यदि आपके पास एक ही सब्जेक्ट है तो सभी के साथ यूज करोगे, सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर डिड, इसके बाद हरी यहाँ आ जाएगा, यहाँ कैपिटल ही रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ओके हरी, सॉरी डिड हरी परचेस, ओके डिड हरी परचेस, यह परचेस्ट नहीं होगा क्योंकि जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हो तो ये फर्स्ट फॉर्म लग जाता है भैया, ठीक है ना। डिड हरी परचेस अ न्यू कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस बन गया। तो ये आपको तभी बनेगा जब आप इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। अब जैसे एक मैं यहाँ का निगेटिव बना देता हूँ, ये वाला भाग का, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, आई हैव रिटन ए लेटर, अब समझ में आ गया कहाँ के सेंटेंस हैव दिया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नेगेटिव कहेगा तुरंत इसको क्या बना दोगे, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। यदि इसका इंट्रोगेटिव कहोगे, इंट्रोगेटिव तो क्या रहेगा, पहले हैव सब्जेक्ट यहाँ आई रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क, यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। तो इस तरह से किया जाता है जो कि बहुत ही आसान है, इसको मैंने ना रटा है ना आपको भी रटने नहीं दूंगा, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको जस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन, ठीक है। और एक बार यदि आपके इसमें कंप्लीट हो जाएगा, आप एक्टिव से पैसिव आसानी से बनाओ, क्योंकि एक्टिव पैसिव बिना टेंस के आपको बन ही नहीं सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि आई नो वेरी वेल दैट यू हैव स्टडीड एंड कंप्लीटेड टेंस, बट वंस अगेन यू हैव टू स्टडी वेरी वेल अबाउट टेंस, देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू चेंज एक्टिव इंटू पैसिव वाइज एंड चेंज डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट, एंड टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव
गुड कमांड ओवर ऑफ ऑल दिस ग्रामर कोर्स एंड आफ्टर दैट कि आपने आपको देखना कि आप कैसे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। आपको कहीं कोचिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपकी फ्रेंड्स सर्कल हैं, ठीक है, चाहे वो स्कूल्स लेवल में पढ़ रहे हों, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो इसको शेयर कीजिए और इस सब्सक्राइब कीजिए और इसमें सीखिए, जानिए कैसे मतलब आसानी से इंग्लिश सीखी जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज है, और एक बार आपके इसमें गुड कमांड ओवर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश के डिमांड क्या है। कहीं भी आप IAS की तैयारी करो, कुछ भी की तैयारी करो, कोई भी इंटरव्यू दो, इंग्लिश मीडियम में ही होती है। उस समय आप ब्लेम नहीं कर सकते कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि सर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो तुरंत वहीं से आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आई एम प्रीटी श्योर दैट कि मैं जितने भी वीडियो डालूं उनको ध्यान से समझिए, आप आसानी से इसमें अपना कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारिए। डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वन डे यू विल अचीव योर टारगेट, योर गोल इन योर फ्यूचर। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ओके।